आपको हमारा वीडियो कंटेंट पसंद आता है देन वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़ पेपर यहाँ पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज़ इमरान खान वनडेड इन क्लियर एसिसनेशन बड्स ठीक है तो कल के दिन कोशिश किया गया कि इमरान खान को देश और दुनिया से नबाद कर दिया जाए ओके यहाँ पर एक पर्सन है एक पर्सन है जो सामने आए हैं और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने हिम्मत दिखाई ऑफकोर्स उसकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी और उन्होंने कोशिश किया कि जब इमरान खान की जो रैली थी क्रॉस कर रही थी उस टाइम पर ठीक है जब इमरान खान की रैली चल रही थी तो उन्होंने सामने आया और इमरान खान को मार डालने की कोशिश की ठीक है आफ्टर ऑनवर्ड्स की जो विक्टिम था जो सस्पेक्ट था उसको अरेस्ट कर लिया गया है ठीक है अरेस्ट कर लिया गया है और वो उसने अपना वो जो कन्फ्यूशन में जो बयान दिया उसको सुनकर आप अमेजिंग मतलब आम तो पता है शौक हो जाइएगा ठीक है उसने एक्चुअली कहा कि वो आया ही था इसलिए कि वो इमरान खान को मार सके ही केम जस्ट ही जस्ट केम टू किल इमरान खान बिकॉज ही वॉज़ मिसलीडिंग द पीपल ठीक है वो क्या कर रहा था लोगों को मिस कर रहा था वो मिसलीड कर रहा था इसलिए वो चाहता था कि इमरान खान को मार दे और ताकि लोग जो मिसलीड हो रहे हैं उससे बचे ठीक है आप सबको पता है देखिए आज के डेट में जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है ठीक है हमने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं इमरान खान के रिगार्डिंग और बहुत सारे अदर पॉलिटिशियन लीडर्स के रिगार्डिंग जैसे कि आप यहाँ पर जानते हैं कि पाकिस्तान में आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि अब तक के अब तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर का जो टेन्यू है यह कम्प्लीट नहीं किया है ठीक है होप कि शहबाज शरीफ हैं वो कम्प्लीट कर पाए लेकिन हमारे लिए इंडिया क्लियर क्लियर कट यहाँ पर इंडिकेशन है कि अगर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर पोस्ट पर आते हैं तो इंडिया को इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि इंडिया ऑफकोर्स जानते हैं देखिए पाकिस्तान एक्चुअली एंटी यूएसए ठीक है एंटी यूएसए लेकिन अब अगर हम शहबाज शरीफ की बात करूँ तो वो प्रो यू एस है ठीक है तो और भी बहुत सारे इसमें आपको डिफ्रेंसेज दे, देखने को मिलेंगे दोनों लीडर्स के बीच में ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखते हैं आगे जाकर ये चीज़ें कहाँ पर मूर्ति है सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो इन्होंने अपना कन्फ्यूजन में ये बयान दिया जट ही वॉज ही वॉन्ट टू किल इमरान खान फॉर मिसलीडिंग पीपल सस्पेक्ट इन परपोटेड फुटेज ऑफ शूटिंग एट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट एंड सेवरल अदर इन फॉर्मर पी एम कन्वर्ट टू अवर इंजर्ड ओके तो यहाँ पर इनको गोली लगी है टांग में गोली लगी है लेग में गोली लगी ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी यहाँ पर यह आपको समझ में आ गया होगा ओके और इनका जब काफिला यहाँ से वाजियाबाद से निकल रहा था उस टाइम पर ये सारे एक्सीडेंट हमें देखने को मिले बस सारे ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट्स वहाँ पर देखने को मिली ओके सो होप यू गॉड क्लैरिटी नाव मूव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज़ पंजाब गवर्नमेंट फेल टू कर्ब स्टबल बर्निंग ठीक है ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टबल बर्निंग और यहाँ पर पंजाब की जो सरकार है ये यहाँ पर फेल होती हुई दिख रही है सेंटर का ये क्लेम है ठीक है सेंटर का यह क्लेम है कि वॉट एवर द तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर कमिटमेंट आपने की थी रिगार्डिंग टू द स्टबल बर्निंग उसमें आप फेल हुए हैं ठीक है जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ठीक है आप यहाँ पर बायोडिकम्पोजर्स को लाइए जैसे यहाँ पर एक पूसा बायोडिकम्पोजर की बात की गई है इट इज़ अ माइक्रोबियल सॉल्यूशन डेवलप्ड बाई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन दिल्ली दैट डिकम्पोज पैडी स्टबलिंग इन टू मैन्यूर ठीक है तो यहाँ पर एक पूसा बायोडिकम्पोजर के बारे में बात किया गया है जो कि एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है जिसको डेवलप किया गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा दिल्ली में ओके और ये क्या करता है ये डिकम्पोज करता है स्टबल बर्निंग को किस में मैन्यर में ओके तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएं हैं आप सबको पता है ये सारी चीज़ें एक्चुअली क्यों डिस्कशन चल रहा है क्योंकि दिल्ली एन सी के जो एयर क्वालिटी है ये आप सर्व तक पहुँच चुका है ठीक है सर्व तक पहुँच चुका है मतलब कि चार का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और उसी के रिगार्डिंग सारी न्यूज़ यहाँ पर आपको पब्लिश होती हुई दिखेंगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है यूनियन इन्वॉर्यमेंट मिनिस्टर उपेंद्र uh, यादव जी ने यहाँ पर लेटर लिखा है टू द पंजाब गवर्नमेंट कि यू आर फेल टू कव द एयर यू आर फेल टू कव द स्टबल बर्निंग एज एज अ मेजर प्रॉब्लम ओके ऑफ़ मेनी सिटीज ओके सो ये सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है इन दैट लेटर ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज अ गोल्ड एंड मशरूम कॉम्बो टू इज ड्रग्स डिलीवरी ठीक है अगेन इट्स इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर बताया जा रहा है गोल्ड एंड मशरूम का जो कॉम्बो है वो बहुत ही ज्यादा ईज करता है किसको ड्रग्स और ड्रग्स की डिलीवरी को ओके okay? और uh, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर यूनिवर्सिटी है बोडोलैंड यूनिवर्सिटी कोलेबरेटिव वर्क ऑन फंगस पावर्ड बायोसेंसाइज नागो नैनो गोल्ड पार्टिकल्स अर्नस इंटरनेशनल पेटेंस ठीक है नाउ मेडिसिन में सून हैव ट्रेस्ट ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक गोल्ड पावर्ड बाय सुपर मशरूम फॉर ग्रेटर इफिकेसी ठीक है तो यहाँ पर बताया गया कि जो मेडिसिन है इट में सून हैव ट्रेस्ट ऑफ किसके ट्रेस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कॉपिक गोल्ड विच इज पावर्ड बाई सुपर मशरूम फॉर ग्रेटर इफिकेसी कोडी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स दैट इज अ कोर एंड एन पी एस द आउटकम्स ऑफ अ कोलेबरेटिव एक्सपेरिमेंट बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम फोर इंडियन इंस्टिट्यूट्स ठीक है तो ये यहाँ पर कोर भी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो कि एक आउटकम है ऑफ अ कोलाबरेटिव एक्सपेरिमेंट बाय साइंटिस्ट ऑफ फोर इंडियन इंस्टीट्यूट ठीक है चार इंडियन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने कोलाबरेट करके इस चीज़ को यहाँ पर परफॉर्म किया ठीक है इस चीज़ को नैनो पार्टिकल्स को यहाँ पर परफॉर्म किया दीज नैनो पार्टिकल्स डिराइव फ्रॉम सिंथेटिक सिंथेसाइज ऑफ एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉडिसप्स मिलिट्रिया एंड गोल्ड सॉल्ट कुड मेक्स ड्रग्स डिलीवरी इन द ह्यूमन बॉडी फास्टर और सियोरर ठीक है इन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है ये क्या करते हैं ये सिंथिसाइज़ करते हैं ऑफ़ द एग्जैक्ट ऑफ कॉडिसप मिलेट्रिया एंड गोल्ड सॉल्ट को और इसकी वजह से क्या होता है जो ड्रग्स की जो डिलीवरी होती है इन द ह्यूमन बॉडी वो बहुत सी ज़्यादा फास्टर हो जाती है और सियोर हो जाती है ओके कॉडिसप मिलिट्रिया मिलिट्रिया इज़ हाई वैल्यू पैरासिटिक फंक्शन फंगस ठीक है ये क्या है एक हाई वैल्यू पैरासिटिक फंक्शन है फंगस है लैब लैबग्राउन एट डिपार्टमेंट of biotechnology uh, technology. बायो टेन बायो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इन कंबेशन सेंटर इन बोडोलैंड यूनिवर्सिटी वन ऑफ द कोलेब्रेशन ऑफ द पेटेंट वर्क ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इसको लिखिएगा कि जो कॉडिस मिलिट्रिया है ये क्या है एक हाई वैल्यू पैरासिटिक फंगस है जिसको लैब ग्राउंड किया गया है ठीक है इस लैब में इसको बनाया गया इस, आ, इस फंगस को लैब में बनाया गया है ठीक है और कहाँ पर यह डेवलपमेंट ऑफ टेक, बायो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इन कम्बेशन सेंटर, सेंटर इन बोडोलैंड यूनिवर्सिटी गोल्ड सॉल्ट आर आयोनिक गोल्ड सॉल्ट आर आयोनिक केमिकल कंपाउंड इसके बारे में भी लिख लीजिएगा uh, uh, आपको बता दिया एक हाई वैल्यू पैरासाइट है फंगस uh, है और यहाँ पर जो गोल्ड सॉल्ट है वो क्या है एक आयोनिक आयोनिक केमिकल कंपाउंड है जो एक्चुअली ऑफकोर्स यहाँ पर किसका कंपाउंड है ये एक्चुअली गोल्ड का कंपाउंड है जिसको जनरली यूज किया जाता है किसमें मेडिसिन में ठीक है तो इसको लिख लीजिएगा गोल्ड सॉल्ट क्या है एक आयोनिक केमिकल कंपाउंड है किसके गोल्ड के जिसको जनरली यूज़ किया जाता है इन द मेडिसिन ओके यानी यहाँ पर पेन्यूट्रेशन के बारे में बताया गया है कि पेन्यूट्रेशन जो सेल में होता है वो एक्चुअली देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पेन्यूट्रेशन इन द सेल इज मोर वेन ड्रग्स पार्टिकल्स आर स्मॉलर ठीक है तो सेल में जो पेनिट्रेशन होगा ये जब ज़्यादा जब ही होगा जब जो ड्रग्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे स्मॉलर होंगे ओके okay? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी में ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगाया गया है ओके सो गोल्ड एंड मशरूम के जो कॉम्बो है इट मेक्स ईज टू द ड्रग्स डिलीवरी इन द ह्यूमन बॉडी ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है और कैसे ह्यूमन uh, uh, जो ह्यूमन uh, बॉडी में जो ड्रग्स की जो डिलीवरी वो कैसे होती है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक सिंथेसाइज करते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने का, का काम किया जाता है नैनो पार्टिकल्स को ओके okay? और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है क्वार्डशेप मिलिट्री के बारे में लिख लीजिएगा और आप गोल्ड सॉल्ट के बारे में लिख लीजिएगा दोनों इंपॉर्टेंट है ये एक फंगस है और एक क्या है आयोनिक केमिकल कंपाउंड है और गोल्ड का जिसको यूज किया जाता है इन द मेडिसिन ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सो लेट्स मूव अहेड यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यू कैन इजीली मूव अहेड इफ थ्री पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सो लेट्स मूव अहेड अगेन कर्नाटका सोन टू बी ए फ्लैग बियर ऑफ रिनेबल एनर्जी सेक्टर पैनल ठीक है कहा कि कर्नाटका फ्लैग बियर ऑफ रियोनेबल एनर्जी सेक्टर ओके कर्नाटक फ्लैग बियर ऑफ द कंट्रीज रिनेबल एनर्जी सेक्टर एज इट इज ऑलरेडी द सिंगल लार्जेस्ट इथेनल प्रोडक्शन हब इन इंडिया ठीक है तो कर्नाटका क्या है सिंगल लार्जेस्ट इथेलॉल प्रोडक्शन हब है एशिया में टोटल एशिया में अगर आप देखें तो कर्नाटका सिंगल लार्जेस्ट इथेनल हब का प्रोडक्शन यहां पर होता है ठीक है और इट विल ऑल्सो टेक सोन विद्लैग ियर ऑफ कंट्री रिन्यबल एनर्जी सेक्टर ठीक है तो भी से पर देखने को मिलेगा क्या कर्नाटका के बहुत सारे एम्स केम्स है कंट्री हैज मैंडेट टू मीट फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू रिन्य विच इज अराउंड ट्वेंटी परसेंट करंटली ठीक है कर्नाटका ने यहाँ पर बहुत सारे एम्स लिए हैं जैसे कि 50 परसेंट अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होंगे वो किससे पूरी करेंगे वो रियूनेबल सोर्स से पूरी करेंगे ये 2030 तक इन्होंने करने का वादा किया अभी अभी करेंटली कितना चल रहा है 20 परसेंट इट इज करेंटली इट इज अराउंड 20 परसेंट एंड टू अचीव दिस एम्बिशियस टारगेट पॉलिसी मेकर एंड इंडस्ट्री प्लेयर्स शुड गेट इंटू अ क्विक एक्शन एंड ऑल्सो इनकरेज एंड फार्मर टू टेक वेंचर्स अराउंड रियोनेबल एनर्जी दिस ठीक है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा गया है कि इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करने के लिए पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्रीज प्लेयर्स को क्या करना है एक क्विक एक्शन प्लान यहाँ पर ले आने की जरूरत है और जो एंटरप्रेनर्स हैं जो फार्मर्स हैं उनको इनक्रीस करने की जरूरत है टू टेक अप वेंचर अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया शुड बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग चीप ग्रीन नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड आल्सो अनदर also other alternative renewable energy sources ठीक है तो इंडिया शुड बिकम्स अक्सट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी इंडिया को बनना चाहिए क्या नेट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी बाई प्रोड्यूसिंग चीप ग्रीन हाइड्रोजन ठीक है आप कैसे बन सकता है बाई प्रोड्यूसिंग चीप ग्रीन हाइड्रोजन आपके यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑल्सो अदर अल्टरनेटिव रीनोएबल एनर्जी सोर्सेस ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है ओके तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कर्नाटका के एम आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि फिफ्टी परसेंट यहाँ पर जो यहाँ पर जो चीजें हैं यहाँ पर जो एनर्जी है यहाँ पर, है, यहाँ पर, यहाँ पर यह किस चीज़ से पूरा करेंगे रिन्यूएबल सोर्स से पूरा करेंगे इनका ये एम है और करंटली ट्वेंटी परसेंट पर भी ये रन कर रहा है ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को हम लोग एडिटोरियल को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं यू कैन ईजिली मूव हैड विथ मी यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ इंडिया विल इंसिस्ट ऑन एक्शन क्लियर फ्रेमवर्क एट सी ओ पी ट्वेंटी सेवन ठीक है सी ओ पी ट्वेंटी सिक्स कहाँ हुआ था ग्लासगो में हुआ था ठीक है सी ओ पी ट्वेंटी सेवन कहाँ होने वाला है इजिप्ट में होने वाला है ठीक है इसको लिख लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होने वाली है जिसमें बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर मीट करेंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा okay. इन्वायमेंट okay. मिनिस्टर सेज दैट क्लैरिटी विल बी सॉट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है ऑफ कोर्स बहुत सारी प्रोमिसज की गई थी जैसे कि हंड्रेड बिलियन डॉलर्स यहाँ पर दिए जाएंगे टू द डेवलपिंग कंट्रीज बाय द डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा डेवलपिंग कंट्री को सौ बिलियन डॉलर यहाँ पर देने की बात की जा रही थी बट ये सारी चीज़ यहाँ पर अब तक नहीं होती हुई दिखी है ठीक है तो एक प्रॉपर फाइनेंस की ज़रूरत है रिगार्डिंग द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो थ्रेट्स चल रही हैं उससे लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पर पैसों की जरूरत है ठीक है तो अब मान लीजिए कि डेट में। अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको पैसा मिल नहीं रहा है ठीक है और वो कार्बन इमशीन कर रहे हैं ठीक है रेगुलरली कर रहे हैं उनको पैसा मिल नहीं रहा है तो उस चीज़ को वो रोकेंगे कैसे ऑफ कोर्स उनके पास पैसा है नहीं तो उस चीज़ को रोकेंगे कैसे तो ये सारे प्रोमिसज की गई थी ठीक है एक्चुअली ये सारे प्रोमिस की गई थी बट ये सारी अभी उस प्रामिस पर अभी ये काम करती हुई नहीं दिख रहे तो ये सारी चीज़ों पर यहाँ पर बात करेंगे इंडिया विल इंसिस्ट ऑन एक्शन एंड क्लियर पाथवे दैट डेवलप्ड कंट्री मस्ट फॉलो टू डिलीवर लॉन्ग प्रोमिस फाइनेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर Adapting the Climate Change Threat, Bhupendra Yadav, Minister of Environment, Forest and Climate Change, said on Thursday ahead of 27th edition of United Nations Conference of Parties in Sarm El Sheikh, Egypt that begins on November 7th. तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉर्मेंट मिनिस्टर एंड क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी का ये सारी चीज़ें कहना है कि जो एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिस किया गया था बाय द डेवलप्ड नेशन दैट दे विल गिव फाइनेंस टू द डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है वो प्रॉपर फाइनेंस देंगे क्लाइमेट के रिगार्डिंग ठीक है जो भी क्लाइमेट थ्रेट्स है उसको उससे लड़ने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस देंगे ठीक है जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लगभग सौ बिलियन डॉलर देने की बात की गई थी एनुअली कि वो प्रॉमिस किए थे कि हम देंगे सौ बिलियन डॉलर टू द डेवलपिंग ज तो ये ऐसा यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को अभी तक तो नहीं मिली है ठीक है तो ये सारी चीज़ें एक मुद्दा हो सकता है इन दिस सी ओ पी ट्वेंटी सेवन का एक पार्ट हो सकता है ओके okay? और जो कि कहाँ होगा ये होगा आपके इजिप्ट में सर्म एल सेख में ठीक है तो ये नवंबर सेवन से ये सी ओ पी ट्वेंटी सेवन आपको देखने को मिलेगा याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होने वाला है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकल कर आते हैं Close to $100 billion annually has been promised to the developing countries since 2008 for adapting and mitigating, uh, mitigating climate change, but only a fraction has actually been made available. India and several other countries have maintained through the ईयर्स ठीक है सो यहाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दो के बाद अब तक हम कोई ऐसा आप एनअली ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला मतलब सौ बिलियन पर हम प्रॉमिस किया गया था बट सौ बिलियन के नाम पर कुछ फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं इंडिया वुड ऑल्सो सपोर्ट इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज ठीक है तो इंडिया सपोर्ट करता है टू ऑल दो इनिशिएटिव इट प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अवॉर्टिंग एंड मिनिमाइजिंग लॉस एंड डैमेज ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड असिस्ट ऑफ ऑन अ इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क टू रिलीज दिस ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया इन सारे इनिशियटिवस को ऑफकोर्स यहाँ पर सपोर्ट करता है जो कि टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है टू डॉ डेवलपिंग कंट्रीज फॉर अवॉटिंग एंड मिनिमाइजिंग लॉस एंड डैमेज ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है इन दिस आर्टिकल ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नॉलेट्स मूव हैड डिस्कस करते हैं और ऑन इंपॉर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं सो यू कैन इजिली मूव मी डिक्लाइनिंग डिक्लाइनिंग इन प्री प्राइमरी इन रोलमेंट कंटीन्यूड 2021 2022 ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू सेज गवर्नमेंट ठीक है तो गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट यहाँ पर बताती है कि स्कूल में जो एनरोलमेंट है प्री प्राइमरी लेवल पर ये एज़ कम्पेयर टू प्री कोविड लेव प्री कोविड से पहले जैसे प्री कोविड के पहले आप देखेंगे कि प्रॉपर स्टूडेंट्स जाते थे स्कूल में ठीक है बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे लेकिन कोविड एक ऐसा सिचुएशन आया कंट्री में ठीक है कोविड इट वॉज इट वॉज अ वर्स्ट जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर दिया ठीक है लोगों के दिल में बच्चों के दिल में कि यहाँ पर डर सा पैदा हो गया ठीक है क्योंकि बहुत सारी जाने गई है इस कोविड की वजह से ठीक है नॉट नॉट इन इंडिया ओनली बट थ्रू आउट द वर्ल्ड ठीक है अगर मैं आपको बात करूँ थ्रू आउट द वर्ल्ड की तो बहुत सारे लोगों की जाने गई है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स यहाँ पर यहाँ पर उनकी डेथ हुई है ठीक है आप यहाँ पर देखेंगे ठीक है अगर आप डाटा अगर आप चेक करें तो आप देख सकते हैं कितने लोग की जाने गई है ठीक है बट मैं आपको यहाँ पर इस आर्टिकल में बताता हूँ कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंट्रिंग प्री प्राइमरी क्लासेज इन ट्वेंटी 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 टू 2021-2022 saw a further टू फर्दर डिक्लाइंस ठीक है तो यहाँ पर एक तीस परसेंट के आसपास का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है ठीक है एक्चुअली एक बताया क्या गया देखिए पिछले साल के मुकाबले जैसे कि 2020 से पहले 2020 से पहले 2020 में कोविड आया 2020 से पहले यहाँ पर हम देखे तो स्कूल में जो जो प्री प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स होते थे उसमें बच्चे जाते थे प्रॉपर एजुकेशन लेते थे पढ़ते थे ठीक है और एक्चुअली यहाँ पर बताया गया कि जो कोविड आया उसके बाद जो एडमिशन है उसमें यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली ठीक है लोग बच्चे हैं वो भेजते नहीं है इसलिए स्कूल में तो ये सारी हम यहाँ पर देखने को मिली सो okay? so, ये सब आपको समझने की जरूरत है कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉर्वमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये सारी चीजें बताया टोटल ऑफ 94.95 लाख स्टूडेंट एंटर प्री प्राइमरी क्लासेस इन ट्वेंटी ट परसेंट एज पर कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर वन वन पॉइंट जीरो सिक्स करोड़ चिल्ड्रेन एनरोल इन दीज क्लासेस ठीक है तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला है लगभग टेन परसेंट का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला है एज पर कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर डाटा हावेवर इन ट्वेंटी 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 वन देर वॉज

थ्री फाइव करोड़ टू द ईयर बिफोर ड्यू टू स्कूल क्लोजर एंड स्कूल क्लोजर एंड क्लासरूम मूविंग ऑनलाइन क्लासेस ठीक है तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें पर एक लॉस देखने को मिला था ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि यहाँ पर प्री प्राइमरी जो levels के जो लेवल्स के इनरोलमेंट्स है उसमें हमें हाँ यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिले हैं और इट कंटिन्यूज टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी तो दो हजार बीस इक्कीस में हमने देखा और दो हजार इक्कीस बाईस में भी अब हाँ हम देख रहे हैं ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी नाउ लेट्स मूव अहेड लेट्स मूव लेट इंपॉर्टेंट आर्टिकल चाइल्ड स्टेशन आर्टिकलेंट फैक्ट बताता हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लिखा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू अपॉइंट अ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर सी डब्ल्यू पीओ इन एवरी पुलिस स्टेशन टू एक्सक्लूसिवली डील विद चिल्ड्रेन आइदर एज ए विक्टिम और पार्टीप्रेटर ठीक है तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये एक लेटर लिखकर हाई टू ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी आप एक और जितने भी पुलिस स्टेशन है उसमें अपॉइंट कीजिए किसको सी डब्ल्यू पी ओ चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए सो so दैट वो इंक्लूसिवली in वो डील कर सके बच्चों के साथ ठीक है चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो पारपेट्रेटर हो ओके यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में बताया गया जुवनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेंस एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन और उसी के तहत बोला है कि एटलीस्ट वन ऑफिसर तो होना चाहिए इन एवरी पुलिस स्टेशन जो कि डील कर सके इन सारी चीज़ों के साथ ठीक है और वो जो ऑफिसर होगा वो नॉट बिफोर द नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंस सब इंस्पेक्टर के uh, नीचे होगा ठीक है तो uh, सारे स्टेशन में आपको ये नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ठीक है तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नीचे के रैंक का नहीं होगा उसके ऊपर के रैंक का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हो सकता है ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सारी चीज़ें नोट में लिखा गया है और एक्चुअली डायरेक्ट किया गया है टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ठीक है तो होम मिनिस्टर ऑफ अफेयर ने यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर किसको लिखा है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उन्होंने कहा है कि जो कमीशन है इट फर्दर रिक्वेस्ट डैट स्पेशल जुवनाइल पुलिस यूनिट इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी ठीक है तो यहाँ पर एक स्पेशल जुवनाइल पुलिस यूनिट की यहाँ पर फॉर्मेशन की बात की गई है इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी विच विल हेडेड बाई एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ठीक है तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट की बात की गई है क्योंकि यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है स्पेशल जुबनाइल पुलिस यूनिट की बात की गई है हर डिस्ट्रिक्ट हर सिटी में जो कि हेड इसको कौन करेगा एक ऑफिसर जिसकी रैंक होगी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से ऊपर ठीक है तो डीएसपी से ऊपर इसकी रैंक होनी चाहिए एंड द यूनिट वुड कम्प्राइज सी डब्ल्यू पी ओस ठीक है तो इस यूनिट में कौन कौन से होने चाहिए कौन कौन से व्यक्ति होने चाहिए सी डब्ल्यू पी एस के यहाँ पर मेम्बर्स होने चाहिए ठीक है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर यहाँ पर एक होना चाहिए ठीक है एंड टू सोशल वर्कर हु हैविंग एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ठीक है तो यहाँ पर दो ऐसे वर्कर्स सोशल वर्कर्स होने चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड वेलफेयर ऑफ होम वन सैल बी वुमेन टू कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ पुलिस इन रिलेटेड टू द चिल्ड्रंस ठीक है तो so, जिसमें uh, दो ऑप्शन में से एक वुमेन होनी चाहिए सो so दैट uh, वो कोऑर्डिनेट कर सके कोऑर्डिनेट कर सके ऑल द फंक्शन ऑफ वुमेन ऑल द पर्सन ऑफ पुलिस इन रिलेशन टू द चिल्ड्रेंस ठीक है तो so, ये सारी चीज़ यहाँ पर कहा है सेंटर uh, ने ठीक है और ये एक्चुअली ऑल द स्टेट के लिए लागू किया गया है यू के लिए एक्चुअली uh, कहा है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया ओके ना मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ओके Uh, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं सो लेट्स मूव हैड आज वर्ल्ड के पेज में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं देखने को मिलेगा आपको नेतन याहू अलाइज सिक्योर विक्ट्री इन इज़राइल इलेक्शन ठीक है तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने है, यहाँ पर देख लीजिएगा ओके okay, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है इतना कुछ इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें नहीं होती है ओके okay, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे सो लेट्स मूव हैड बिजनेस सेक्शन में भी आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा आज के दिन ओके यू कैन ईजिली मूव हैड विथ मी हाँ कल पाकिस्तान जीत गया तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान कल जीता इसकी वजह से सेमीफाइनल का चांस पाकिस्तान को मिल चुका है ठीक है और अभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया के आ, इंडिया के आगे आने वाले मैच में हम देखेंगे भिड़ंत होगी ओके और देखेंगे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी ओके सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन एडिटोरियल सेक्शन को फटाफट डिस्कस -फट करते हैं ओके लेट्स मूव है हट यहाँ पर है पहला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है चाइनाज ट्वेंटी पार्टी कांग्रेस ओवर द रोड हेड ठीक है तो ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स एजिंगपिंग के बारे में उनका थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टोन चल रहा है तो वही उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है और बहुत सारे पहले पहले चीज़ों को बताया गया है आने वाले फ्यूचर्स के बारे में बताया गया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे ओके सो लेट्स मूव है हेड हाँ वेन तो आउ बेग प्ले डस्ट लिटिल टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज ठीक है एक्चुअली देखिए हो क्या रहा है ना क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही है ठीक है कार्बन इमिशन कोल इमिशन ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी इस आर्टिकल में ओके एक्चुअली सी सी ओ पी ट्वेंटी सेवन होने वाला है तो उसमें ये सारी चीजें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगी There is a strong belief in some quarter that the next climate conference just a day away and some else like in Egypt this year COP twenty seven may not discuss may नॉट डिस्कस क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन लार्जली ऑन account ऑफ ongoing energy एनर्जी स्ट्रेस इन यूरोप ठीक है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सी ओ पी जो ट्वेंटी सेवन की जो मीटिंग होगी ऑथर के द्वारा एक्चुअली क्या बताया जा रहा है कि सी ओ पी ट्वेंटी सेवन की जो मीटिंग होगी इजिप्ट में उसमें हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं किया जाएगा देर विल भी नो डिस्कशन रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी क्यों क्योंकि आज के डेट में जो एनर्जी एनर्जी uh, का स्ट्रेस हम देखने को मिल रहे हैं इन यूरोप एंड अदर सेवरल्स कॉन्टिनेंट ठीक है तो उस सारी चीजों की वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट थ्रेट के रिगार्डिंग यहां पर डिस्कशन ट्वेंटी सी ओ पी ट्वेंटी सेवन में नहीं किया जाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं ओके ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर बताया गया किसके द्वारा ऑथर के द्वारा ओके द प्रेसिडेंट ऑफ वनताऊ जो कि एक स्मॉल पैसिफिक आइलैंड है वनताऊ क्या है एक स्मॉल पैसिफिक आइलैंड है उसके प्रेसिडेंट चाहते क्या हैं एक्चुअली uh, वो चाहते हैं जनरल असेंबली टू एडॉप्ट यूनिवर्सल नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी ठीक है जनरल असेंबली क्या अडॉप्ट करे वो चाहते हैं कि जनरल असेंबली जनरल असेंबली अडॉप्ट करे एक यूनिवर्सल नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी टू बैन द यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल अक्रॉस द वर्ल्ड ठीक है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको लिख लीजिएगा प्रेसिडेंट ऑफ वैनताऊ जो कि स्मॉल पैसिफिक आइलैंड है वो यहाँ चाहते हैं कि जो जनरल असेंबली है वो एक यूनिवर्सल नॉन सॉरी यूनिवर्सल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को अडॉप्ट करें ताकि आगे आने वाले टाइम में जो यूज़ हो रहा है फॉसल फ्यूल का ठीक है फॉसल फ्यूल का जो यूज़ हो रहा है वो क्या हो जाए उसकी बैन हो जाए ठीक है उसको उसके ऊपर बैन लग जाए ठीक है तो ये सारी चीज़ें और ये ये सारी चीज़ें इन्होंने कहा है ओके यूजली सच अ कॉल बाई अ नेशन हुस कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज एंड इमिशन इज नेग्लिजिबल ठीक है तो ऐसा कॉल एक्निशन के द्वारा जिसका जिसका कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज एंड इमिशन जो कि ने, नेग्लिजिबल है वुड हैव गॉन नो अन नोटिस ठीक है तो ये नोटिस unnot, किया जा रहा है ये सारी चीज यहाँ पर बताई गई है बट वनाताओ रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉग एंड वोकल ग्रुप्स ऑफ स्मॉल आईलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ठीक है तो वैनताओ क्या है रिप्रेजेंट करता है किसको स्ट्रॉन्ग एंड वोकल ग्रुप्स ऑफ स्मॉल आईलैंड डेवलपिंग स्टेट को हुज वॉइस इज हर्ड विथ अटेंसन एंड एम्पथी इन द यूवेंट ठीक है जिसकी वॉइस बहुत ही आ, अच्छे तरीके से यून में सुनी जाती है ठीक है अटेंशन के साथ सुना जाता है जिनका वॉइस ठीक है अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा मोर सो वेन इट इज़ अ मैटर विल अफेक्ट ग्लोबल डिस्कोजर ऑन क्लाइमेट चेंज ठीक है so, change, तो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है जब क्लाइमेट फ्रेक्ट की बात आती है तो हम सबको एक साथ होकर काम करने की जरूरत है बिकॉज आगे आने वाले टाइम में, में आगे आने वाले फ्यूचर हमारे लिए खराब हो सकते हैं अगर हम क्लाइमेट थ्रेट uh, को अगर हम इग्नोर करते हैं तो ठीक है तो इन्होंने कहा कि जो फॉसल uh, फ्यूल का जो यूज है इसके ऊपर बैन लगा, लगा देनी चाहिए यूनिवर्सल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी इन द जनरल असेंबली ओके सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये सारी चीजें इनके द्वारा कहा गया वेनाताओ के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया

फैक्ट दैट अ कॉल टू एंड फॉसल फ्यूल थ्रू मैंडेट इन द यू एन हेज वेरी डिफिकल्ट इम्प्लीकेशन दैन वेन इट्स प्रेजेंट अंडर यू एन क्लाइमेट चेंज कंट्रवेशन ठीक है तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक ऐसा कॉल फॉसल फ्यूल एनर्जी को ख़त्म करना ठीक है फॉसल फ्यूल एनर्जी को के मैंडेट्स को खत्म करना फ्राम द यू एनज अ वेरी डिफिकल्ट इंप्लीकेशन ठीक है तो एक बहुत ही डिफिकल्ट इम्प्लीकेशन है दैन वैन इट्स प्रेजेंटेड अंडर United Nations Climate Change Convention. The UN mandates of this uh, nature. Is divorced from legal responsibility. Of the polluting countries. To reduce emission on. Basic of responsibilities. Capabilities and national circumstances. As required by the climate change conventions. Okay. Here uh, it is UN mandates may, uh, of this nature. Is divorced from the legal responsibility. Uh, of the polluting countries. To reduce their emission on. The basis of responsibility. Capabilities and national circumstances. It will also. It, uh, it also makes. नो प्रोविजन फॉर द टेक्नोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल इनोवेटिव दैट नेसेसरी टू इंश्योर द ट्रांसमिशन ओके तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई है कोल फेसडाउन कोल फेज डाउन इज नॉट ओनली द वे टू रिड्यूस ग्लोबल इमिशन ठीक है तो एक यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया कि कोल फेज डाउन एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया जा सकता है ठीक है तो एकमात्र एक ऐसा एक सॉल्यूशन नहीं बताया गया कि कोल फेज डाउन इज नॉट ओनली द वे टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन कोल इज मेन स्टे ऑफ प्राइमरी एनर्जी सप्लाई ठीक है तो कौन क्या है कोल uh, है एक मेन स्टे है किसका प्राइमरी एनर्जी सप्लाई का इन कंट्रीज कंट्री अच्छे इंडिया एंड फॉर्म द बेसिक एंड इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम ठीक है सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कोल का जो फेस डाउन है इट इज़ नॉट ओनली द वे टू रिड्यूस द्वार्बन ग्लोबल इमिशन ठीक है तो सॉरी ग्लोबल इमिशन को रिड्यूस करने के लिए एकमात्र एक ऐसा वो रीजन नहीं है ठीक है बताया गया एक्चुअली जो कोल क्या है कि एक मेन स्टे है प्राइमरी एनर्जी सप्लाई है फॉर द

इकोनॉमीज को अगर हम देखें तो कुछ सेक्शन हैं कुछ सोसाइटीज़ के कुछ सेक्शंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पांसिबल फॉर द लेविस और इ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अ प्लान टू ड्रास्टिकली

एनर्जी सप्लाई टू ऑल नॉट जस्ट फ्यू ठीक है तो ना केवल कुछ को बल्कि सबको मिलना चाहिए अगर एनर्जी का एक्सेस है तो उस एक्सेस को सबको मिलना चाहिए ना कि बस कुछ को ठीक है वाइल्ड द डेवलप्ड इकोनॉमीज है फुल एक्सेस टू तो द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ दियर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज द डेवलपिंग नेशन आर हैंडीकैप्ट ठीक है तो यहाँ पर बताया गया है कि तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जो एनर्जी है वो सबके लिए ए, एक होनी चाहिए इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि एनर्जी का जो एक्सेस है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए ठीक है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए आ, ना ही ना कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए ठीक है तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डेवलप्ड इकनॉमीज़ है उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है अल्टरनेट सोर्स है किसका एनर्जी का ठीक है उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है और ए, उनका बहुत उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सेस है किस, कि, कि, किसका एनर्जी का और ये सारी चीज़ें क्यों हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दियर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ठीक है तो उनकी स्ट्रेंथ की वजह से टेक्नोलॉजी में जो उनका स्ट्रेंथ

इन दिस कंटेंस दैट कॉल फॉर लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वॉर्मेंट लाइफ इशूड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यू एन सेक्रेटरी जनरल ज्वाइंटली इन इंडिया रिसेंटली एज यू इंपॉर्टेंस ठीक है तो यहां पर लाइफ की एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस हमने देखा है ठीक है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक्चुअली इनाग्रेट किया था ठीक है इन फ्रंट ऑफ़ यू एन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के सामने एंटीन्यू ब्रिटिश के सामने ये सारी चीज़ों को रखा था और कहा था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं द वर्ल्ड टुडे इज़ सफरिंग फ्राम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है आप सबको पता है कि आज की डेट में जो वर्ल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट इफेक्ट से क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है ठीक है एडवर्सली अफेक्टेड है ओके और हमने इसके डिवास्टेटिंग्स हमने इसके डिवास्टेटिंग्स टेटिंग्स रिजल्ट हमने यहाँ तक अब तक देखे हैं ठीक है और बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन ठीक है लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इससे क्या है बहुत ज़्यादा तंग है ठीक है तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है एंड्रेसिंग दीज इम्पैक्ट्स एंड प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड फॉर द अनसर्टन फ्यूचर सुड बी द प्रियोरिटी ठीक है तो इन सारे चीज़ों को यहाँ पर हमें टॉप मोस्ट प्रियोरिटी पर रखने की जरूरत है ऑफकोर्स क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर देखने की ज़रूरत है इमिशन को यहाँ पर कम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट को ना ही केवल इन इंडिया बल्कि ऑल अदर कंट्रीज सच एज डेवलपिंग नेशन डेवलप नेशन और जितने भी अनोटिसफाइड नेशन हैं अनोटिस्ड नेशन उन सबको एक स्टेप्स लेने आ, की जरूरत है कि आप एक इमिशन के प्रति आप थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो कीजिए इमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए जितना जल्द से हो सके जल्द ठीक है क्योंकि 1.5 डिग्री भी यहाँ पर आ, कम है ऐसा बताया जा रहा है कि 1.5 डिग्री भी यहाँ पर कम है ठीक है 1.1 के नीचे आपको आने की जरूरत है और तब जाकर हम यहाँ पर एक आ, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे अदरवाइज देयर विल बी अ बीट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज रिजल्ट ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम्स के कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस uh, हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ओके सो होप यू गॉट क्लैरिटी पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हूँ ओके सो लेट्स यहाँ पर इस आप वीडियो को एंड करते हैं ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप प्लीज़ लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे ऐसी वीडियो के अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे थैंक्स फॉर वॉचिंग आई वीडियो थैंक यू ने बनाई स्थिति